फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एंजॉय गार्डनिंग विद कमल जी चैनल में। फ्रेंड्स, तो कल ये बुद्धा का प्लांटर लेकर आई थी, देखिए ये वाला ये है सिरामिक का है। तो मैं आज इसमें ये वाला जेड प्लांट जो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक हैंगिंग प्लांटर में लगाया हुआ है, ये मेरा गमला टूट गया था, ऐसे गिर गया था आंधी से, तो मैं इसी को अब आज शिफ्ट करके इस प्लांटर में लगाने जा रही हूँ, क्योंकि जब जो इसके ऊपर लगेगा तो बहुत ही ऐसे अच्छी लुक देगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बताती हूँ कि मैं ये वाला प्लांटर बहुत हैवी होता है, तो इसको जो हमने सॉइल मिक्स इसमें कैसी बनानी है, पहले तो ये आता है कि हमने सॉइल मिक्स कौन सी डालनी है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमको ये गिट्टी रखनी होती है, देखिए ये वाली, इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको ऐसे रखना है और ये वाला ऊपर को रखना है, तो इसको ऐसे नीचे हम रख देते, ये देखिए। तो इसको हल्का करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया है कि ये वाला सूखा मटेरियल, जैसे ये फ्लावर्स के पत्ते होते हैं, टहनियाँ होती हैं, जैसे ये देखिए गेंदा के फूल हैं, ये मैं ऐसे कलेक्ट करके रख लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको इसके अंदर ऐसे हम भर देंगे, थोड़ा ग्रीन मटेरियल भी है और थोड़ा सूखा भी है, ये देखिए ये सारे सूखे पत्ते हैं जो हम गार्डन से कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो हम अपने प्लांटर्स में ही ऐसे भर लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स। और थोड़ा सा मैं इसमें ये वर्मी कंपोस्ट है, ये देखिए ये वर्मी कंपोस्ट की एक लेयर डाल देते हैं इसमें, तो इससे बहुत जल्दी ये जो है चेंज हो जाएगा इसमें खाद में। तो ये बाकी जो बचा है वो भी मैं एक लेयर इसके ऊपर ऐसे डाल देती हूँ। ये हो गया हमारा गमला भरने का तरीका, इसलिए ये ऐसे हो गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट एक मुट्ठी और डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरह से ऐसे हम प्रेस कर लेंगे। अब देखिए आधे से ज्यादा ये भर चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हमने जो सॉयल मिक्स है वो मैंने तो पहले ही तैयार करके रखी होती है, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है मैंने राइस हस्क डाला हुआ है और रेत भी है और गार्डन सॉइल है, काऊ डंक है, और ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने ये मिट्टी को तैयार करके रखा हुआ है। और देखिए ये कितनी वेल ड्रेन्ड और भुरभुरी मिट्टी है, तो इसमें हम ये वाली मिट्टी अब भर देंगे, ये देखिए अब ये वाली मिट्टी मैं इसमें भर देती हूँ, क्योंकि ये प्लांटर जो होते हैं सिरामिक के काफ़ी हैवी होते हैं, तो इसमें इसको फिर उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसमें ऐसे थोड़ा सॉइल मिक्स बना के भर देंगे तो ये बहुत अच्छे से, तो एक लेयर इसके ऊपर मैं और वर्मी कंपोस्ट की डाल देती हूँ, क्योंकि जो जेड प्लांट है उसकी जड़ें जो ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाती हैं, तो फिर इसको जो खाद है न्यूट्रिशन है वो अच्छी तरह से मिलता रहेगा फ्रेंड्स। तो अब हम बारी है इनकी, निकालते हैं इसको, धूप चाहिए होती है और ये ज़्यादा छाया में भी रह लेता है, पर फिर भी इसको 3-4 घंटे की धूप मिल जाए तो ये जेड प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, देखिए ये ऐसे मैं निकल के आ गया है। तो अब मैं थोड़ी थोड़ी इसकी मिट्टी निकाल लेती हूँ, ये सारा टूटा पड़ा हुआ है, वो पानी डाला था, फिर इसमें हम इसको भर देते हैं, देखिए इसकी जड़ें ज्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं, ये देखिए ऐसे ये ग्रो होता है प्लांट, क्योंकि इसका ऊपर से साइज छोटा है, तो मैं थोड़ी मिट्टी इसकी निकाल लेती हूँ। तो अब मैं इसमें इसको अभी और निकालना पड़ेगा थोड़ा, ये सारे निकाल देते हैं नीचे से, इसकी जड़ें ज्यादा ग्रो नहीं करती हैं इसीलिए इसको कम पानी की ज़रूरत होती है, तो जितना पानी कम डालोगे उतना ये अच्छे से ग्रो करता रहता है। ये भी मैं सारे निकाल देता हूँ, खाना है ये मेरा प्लांट, तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी मेरे को और भरनी पड़ेगी, तो मैं यही सारी मिट्टी इसमें नीचे डाल देती हूँ, ये भी बहुत अच्छी मिट्टी है। इसको अब मैं इसमें देखते हैं अब ये कैसे प्लांट है, ये आगे से कैसे लगता है, इसको सेट कर लेते हैं ऐसे,
ताकि इसके मुंह के आसपास जो है ऐसे लगे कि जैसे इसके बाल होते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको दबा के ऐसे इसमें लगा देते हैं तो ये लग जाएगा। अदरवाइज देखिए, ये मैं जिसकी वीडियो बनाती हूँ ये हर प्लांट में ऐसे ग्रो किया होता है, तो मैं इसको तो निकाल ही देती हूँ, फिर भी जो बीच में रह ही जाएगा कोई ना कोई। ये मेरा बन गया बुद्धा का प्लांट। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दे। जब प्लांट लगाते हैं तो थोड़ी जरूरत होती है, क्योंकि नीचे हमने सूखा मटेरियल भरा होता है, तो अच्छे से पानी डाल दें ताकि पानी नीचे से निकल जाए, प्लांटर के बीच में कोई एयर पॉकेट्स जो होती हैं वो ना रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैं जो लेकर आई थी छोटे छोटे प्लांटर, उसमें भी मैंने ये अपने सकुलेंट्स जो है वो लगा दिए हैं। तो इसको मैंने पानी ऐसे दिया है, पानी नीचे रख के भर के इस ट्रे में ऐसे मैंने इनको पानी देना होता है, तो ये बहुत अच्छे से ऊपर से पानी ना दें। आज तो मैंने दिया क्योंकि आज मैंने इसको रीप्लांट किया है। ये ब्रह्म कमल के छोटे छोटे जो पद निकले हुए थे वो मैंने इनमें लगा दिए। जैसे ये मेरे दो प्लांटर हैं, इनमें मैंने ब्रह्म कमल लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर हमने जब भी इनको सुकुलेंट्स को पानी देना होता है तो एक ट्रे में भर के ही 10 मिनट रख दें, तो नीचे से पानी लेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और एक ये देखिए, ये भी सुकुलेंट मैंने इस प्लांटर में लगा दिया है। तो ये था मेरा आज का काम, और ये भी लगाया है। ये सारे प्लांटर मैंने आज इसमें प्लांट से लगा दिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।